नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजू पटनायक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है उड़ीसा में, उसके बारे में। उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से कोर्सेस है, क्या फीस है, ये सारी डिटेल बात करेंगे। तो लाइक नहीं किया तो भाई लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो इसमें देखिए कोर्सेज जो है ना, कोर्सेज सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग और उसके अलावा साउंड, तीन कोर्सेज मेनली है, चार चार साल के ये कोर्सेस है। उसके अलावा अगर वीकेंड के कोर्सेज हो तो मुझे नहीं पता, बाकी इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर के आप है ना उनको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पर है ना उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिलेगा, वो उनको कॉन्टेक्ट कीजिए, वहां पर आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। और उसके अलावा ये अच्छा खासा इंस्टीट्यूट है, खासकर जो उड़ीसा से हैं, जो कटक से, ये जो मेनली जो है उड़ीसा में, कहाँ पर है ये उड़ीसा में, ये कटक में ये इंस्टीट्यूट है बीजू पटनायक। और इसमें ये तीन कोर्सेस है, तो आप सिनेमाटोग्राफी, साउंड और एडिटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग इसमें नहीं है। उसके अलावा जो इसकी फीस है, फीस तो बहुत ही कम होगी क्योंकि ये स्टेट का इंस्टीट्यूट है, तो इसीलिए फीस वहाँ पर बहुत ही कम होगी। उसके अलावा पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है उड़ीसा के लिए, खासकर उड़ीसा वालों के लिए बहुत ही शानदार है। इसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से है ना आप उसकी वेबसाइट पर जाइए, उनका कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ पर मिलेगा आपको। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। तो उनको कॉन्टेक्ट जब आप करोगे ना, तो वहाँ पर है ना उनका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा पूछ लेना, क्योंकि उनकी जो वेबसाइट है, यहाँ पर जो मुझे उनकी वेबसाइट देखने को मिली, वो वेबसाइट भाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जितने भी है उनकी वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं है, पता चल रहा है कोई क्रेश कर रही है, तो ये ऐसी सिचुएशन आती है। तो इसीलिए भाई एक बार है ना उनको कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। उसके अलावा ये बीजू पटनायक जो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है, ये बहुत ही शानदार है मेरे हिसाब से, तो एडमिशन लेना चाहिए अगर आपको सिनेमाटोग्राफी, साउंड या एडिटिंग में अगर कोई कोर्स करना है तो। उसके अलावा इसकी जो फीस है, फीस तो मैंने आपको बताई दी कि बहुत ही कम है, फीस है कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, वेबसाइट पर डिटेल नहीं मिलेगी आपको, आपको कॉन्टेक्ट करके ही वहाँ पर पूछना पड़ेगा। एक बार अगर कोई पहले से पढ़ा है तो वहाँ पर उससे ज़रूर पूछना, एक बार कैंपस में ज़रूर जाना एडमिशन लेने से पहले, और वहाँ पर जो लोग वहाँ पर जो पहले से पढ़ रहे हैं ना, उनसे उनका ओपिनियन, उनकी राय जरूर जानना कि इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। धन्यवाद।